दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर 15 साल तक किसी सुरक्षित निवेश साधन में नियमित पैसा जमा करके ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो सरकारी छोटी बचत स्कीम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए सही विकल्प है। इसमें कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है, चाहे वो नौकरी पैसा हो, चाहे छात्र हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे खुद का कारोबार करने वाले लोग हों। अगर आप पीपीएफ में पैसा निवेश करते हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप अपने खाता से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। तो ये गलती क्या है और इस गलती को कैसे सुधारेंगे, ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल, यानी 15 साल बाद आप खाता बंद कर सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी से पहले भी कुछ शर्तों के आधार पर खाता बंद कर सकते हैं आप। पीपीएफ खाता में मैच्योरिटी तक हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रूपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रूपये जमा करने होते हैं। अगर आपने मैच्योरिटी से पहले किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम राशि जो कि 500 रूपये है को जमा नहीं किया तो आपका पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बंद हो जाएगा और आपको आपके पीपीएफ खाते पर लोन भी नहीं मिलेगा और आप इनकम टैक्स छूट की मिलने वाली सुविधा भी नहीं ले सकेंगे। साथ ही साथ आप पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे, यानी आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। हालांकि अगर आप पीपीएफ खाता को दोबारा चालू कराना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। पीपीएफ खाता को दोबारा कैसे चालू कराएंगे वो भी आप जान लीजिए। न्यूनतम राशि जमा करने में चूक हो जाने से बंद पड़े पीपीएफ खाता को दोबारा चालू करने के लिए संबंधित पीपीएफ खाता धारक को हर चूक वर्ष के लिए कम से कम जमा की जाने वाली राशि यानी 500 रूपये के साथ साथ 50 रूपये जुर्माना देने होंगे। मान लिया कि आपने अपने पीपीएफ खाता पर 3 साल चूक किया है तो ऐसे में खाता को दोबारा चालू कराने के लिए 500 × 3 यानी 1500 रूपये और 50 × 3 यानी 150 रूपये देने होंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको 1500 और 150 यानी 1650 रूपये चुकाने होंगे। साथ ही आपसे फिर से केवाईसी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आपको ये काम उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर करना होगा जहां पर आपका पीपीएफ खाता है। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में पीपीएफ खाता खुलवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी तक हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा। तो ये तो रही बात कि आपका पीपीएफ खाता कब और कैसे निष्क्रिय हो जाएगा और उस निष्क्रिय खाते को कैसे आप फिर से सक्रिय कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं पीपीएफ खाते की दूसरी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि खाता कौन खुलवा सकता है। तो एकल बालिग व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो वो खाता खुलवा सकता है, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गृहिणी हो, कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है। नाबालिग या अयोग्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक खाता खुलवा सकता है। संपूर्ण देश में डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक खाता खोला जा सकता है एक व्यक्ति के नाम पर। हर साल खाते में कितना जमा करना है अधिक से अधिक और कम से कम वो जान लीजिए। तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रूपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रूपये आप जमा कर सकते हैं। जमा करने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रूपये है, जिसमें किसी व्यक्ति का उसके नाम पर अपना खाता और उसके द्वारा एक नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि शामिल होगी, अगर उसने किसी नाबालिग के अभिभावक के तौर पर खाता खोला है तब। वित्त वर्ष में कितनी भी संख्या में किस्तों में 50 रूपये के गुणक यानी मल्टीपल में राशि जमा की जा सकती है, अधिक से अधिक 1.5 लाख रूपये तक। खाता नगद या चेक द्वारा खोला जा सकता है। चेक से भुगतान की स्थिति में सरकारी खाते में चेक की राशि प्राप्त होने की तिथि को खाता खोलने की तिथि मानी जाएगी। खाता धारक को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर में कटौती का फायदा मिलेगा अगर आप पीपीएफ खाता खुलवाते हैं तब। अब ब्याज के क्या नियम है वो भी जान लीजिए। पीपीएफ खाता चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में, ब्याज का एक ही नियम है। ब्याज केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में ब्याज दर 7.1% तय किया गया है। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाती है। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उस खाते में जमा किया जाता है जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में होता है, यानी बैंक से डाकघर या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में। अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है, यानी जो आप पैसा लगाते हैं वो भी कर मुक्त, जो पैसा पर रिटर्न मिलता है वो भी कर मुक्त और ओवरऑल जो पैसा आप निकालेंगे मैच्योरिटी के बाद वो भी कर मुक्त रहता है। पीपीएफ खाते पर लोन की क्या व्यवस्था है?
प्रारंभिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लोन आप ले सकते हैं, अर्थात 2023-2024 के दौरान खुले खाते के लिए वर्ष 2024-2025 में लोन लिया जा सकता है। प्रारंभिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोन लिया जा सकता है। लोन को उस वर्ष के पूर्व के शेष राशि के 25% तक लिया जा सकता है जिस वर्ष लोन लागू किया गया है, अर्थात यदि 2012-2013 के दौरान लिया गया लोन 31 मार्च 2011 को शेष राशि का 25% लिया जा सकता है। मतलब अगर 31 मार्च 2011 तक कुल शेष राशि 1 लाख थी तो 2012-2013 में उसका 25% यानी 25,000 रूपये लोन लिया जा सकता था। एक वित्त वर्ष में केवल एक ही लोन लिया जा सकता है, दूसरा लोन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहला लोन चुकाया नहीं जाता है। यदि लिया गया लोन को 36 माह के भीतर चुकाया जाता है तो लोन की ब्याज दर होगी 1% प्रति वर्ष। यदि लिए गए लोन को 36 माह के बाद तक चुकता किया जाता है तो लोन की ब्याज दर होगी 6% प्रति वर्ष, और यह जो है लोन डिसबर्समेंट की तारीख से लागू हो जाएगी। निकासी यानी विड्रॉवल के क्या नियम है वो जान लीजिए। खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राहक वित्तीय वर्ष के दौरान एक निकासी कर सकता है। यदि 2023-2024 के दौरान खाता खुला तो 2029-2030 के दौरान या बाद में निकासी की जा सकती है। निकासी पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में जमा शेष राशि जो भी कम हो का 50% तक किया जा सकता है। मैच्योरिटी के क्या नियम है? खाता 15 वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्व होगा खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर। परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे कि पहला, संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं। दूसरा, आगे जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता राशि को बनाए रख सकते हैं जिस पर पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक निकासी ली जा सकती है। तीसरा, संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित विस्तार प्रपत्र जमा करके अपने खाते को आगे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर ही। बंद किए गए खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जमा राशि के साथ विस्तारित खाते में 5 वर्ष के ब्लॉक में परिपक्वता के समय बैलेंस क्रेडिट की अधिकतम सीमा के 60% तक प्रत्येक वित्त वर्ष में निकासी की जा सकती है। अब समय से पहले पीपीएफ खाता बंद करने के क्या नियम है, क्या शर्त है वो जान लीजिए। समय से पहले 5 वर्ष के बाद खाता बंद करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें खाता कुछ शर्तों के अधीन होगी, जैसे खाता धारक पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को जान के खतरे की बीमारी होने की स्थिति में, खाताधारक के आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में, खाताधारक की निकासी स्थिति के परिवर्तन के मामले में यानी एनआरआई बन जाने की स्थिति में। समय से पहले बंद होने के समय खाता खोलने की तारीख से या विस्तार की तारीख जैसा भी मामला हो 1% ब्याज की कटौती की जाएगी। संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ तय आवेदन फॉर्म जमा करके तय शर्तों पर खाता बंद किया जा सकता है। खाताधारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद कर दिया जाएगा और नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मृत्यु के कारण बंद होने वाले पीपीएफ खाते के लिए उस पूर्ववर्ती महीने के अंत तक ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा जिस महीने में खाता बंद किया गया हो। पिछले साल नवंबर में पीपीएफ खाते को मैच्योरिटी यानी समय से पहले बंद करने को लेकर नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पेनाल्टी के कैलकुलेशन को लेकर खाताधारकों का कन्फ्यूजन दूर हो गया है। सबसे पहले एक्सटेंडेड यानी विस्तारित पीरियड का मतलब समझते हैं। आप सब जानते हैं कि पीपीएफ खाता की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी खत्म होने के बाद भी खाता को आगे जारी रखना चाहते हैं तो वही पीरियड एक्सटेंडेड पीरियड कहलाती है। आप 5-5 साल के लिए जितनी मर्जी हो उतने समय के लिए पीपीएफ खाता को जारी रख सकते हैं, यानी अनलिमिटेड एक्सटेंडेड पीरियड का फायदा आपको मिल सकता है। दोस्तों, सरकार ने जून 2016 में पीपीएफ अकाउंट की प्रीमैच्योर क्लोजर यानी समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा शुरू की थी। इस खाता के मामले में 2 तरह के प्रीमैच्योर क्लोजर संभव है, एक 15 साल वाली मूल मैच्योरिटी पीरियड में प्रीमैच्योर क्लोजर और दूसरा 5-5 साल की एक्सटेंडेड पीरियड में प्रीमैच्योर क्लोजर। तो दोनों स्थिति में पीपीएफ खाता धारकों को प्रीमैच्योर क्लोजर के नियम जानने चाहिए। तो 2016 में मिली प्रीमैच्योर क्लोजर सुविधा के मुताबिक कुछ खास परिस्थितियों में अकाउंट होल्डर अपने खाते को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं, लेकिन जिस वित्त वर्ष के दौरान खाता खुला है उसके अगले 5 साल पूरे होने से पहले प्रीमैच्योर क्लोजर की इजाजत नहीं है। वहीं यदि आप मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करते हैं तो आपको पेनाल्टी भी चुकानी होगी। नियमों के मुताबिक प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में पीपीएफ खाते पर समय समय पर आपको जो ब्याज मिला है उससे 1% राशि पेनाल्टी के तौर पर काट ली जाएगी। यदि अकाउंट मैच्योरिटी यानी 15 वर्ष से पहले बंद कर रहे हैं तो ब्याज में 1% कटौती अकाउंट खुलने की तारीख से लागू होगी।
लेकिन खाता एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान बंद करने के मामले में पुराने नियमों जो कि 2019 में बना था के हिसाब से बहुत कन्फ्यूजन था। 2019 के नियमों के मुताबिक यदि आप एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान खाते को बंद करते हैं तो आपको पेनल्टी तब से देनी होगी जब से आपका पीपीएफ खाता एक्सटेंड हुआ है। मतलब यदि अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5 साल की एक्सटेंडेड पीरियड में है तो 1% पेनल्टी एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लगेगी। वहीं यदि आप एक से अधिक बार पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करते हैं तो अगले एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भी पेनल्टी तभी से लगेगी जब से आपका पीपीएफ अकाउंट पहली बार एक्सटेंड हुआ है। नए नियम के जरिए यह साफ किया गया है कि यदि आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है तो प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में 1% पेनल्टी की गणना प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप एक से अधिक बार पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करते हैं तो पेनल्टी तब से नहीं लगेगी जब से आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड हुआ है, बल्कि सिर्फ उसी 5 साल के एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लगेगी। अब है कि किन परिस्थितियों में कर सकते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर। नियमों के मुताबिक अकाउंट होल्डर अपने जीवन साथी या परिवार के आश्रित सदस्यों जैसे कि बच्चे या माता पिता की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए पूरा पैसा निकालकर अकाउंट बंद कर सकते हैं। यदि खाताधारक को देश या विदेश में अपने या बच्चे की उस शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है तब भी उसे अकाउंट बंद करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा अगर पीपीएफ खाताधारक देश छोड़कर जा रहा है तो वह पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकता है। यानी 3 स्थितियों में आप अपना पीपीएफ अकाउंट समय से पहले बंद कर सकते हैं और पूरा पैसा निकाल सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर यानी समय से पहले खाता बंद करने के लिए क्या करना होता है वो भी जान लीजिए। पीपीएफ खाते को बंद करने के लिए अकाउंट होल्डर को फॉर्म 5 भरकर जमा करना होता है जहां पर अकाउंट रहता है वहां। जिस डाकघर या बैंक में आपका खाता है वहां जाकर यह फॉर्म सही सही भरकर जमा करना होता है। इस फॉर्म में आपको बताना होता है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं। साथ ही आवेदन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। मसलन अगर बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी की ओर से दिए गए कागजात। उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस की रसीद। बिल और एडमिशन को कंफर्म करने वाले डॉक्यूमेंट्स। विदेश जा रहे हैं तो वीजा, पासपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। पीपीएफ खाता से आंशिक निकासी कैसे करें। पीपीएफ खाता को समय से पहले बंद करने की सुविधा तो है ही, आप समय से पहले आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। यानी आपको जितने पैसों की जरूरत है उतना पैसा निकालिए और बाकी अकाउंट को जारी रहने दीजिए। तो आंशिक निकासी कब कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। जैसा कि आपको बताया कि पीपीएफ में लॉक इन पीरियड यानी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद पूरी रकम जिसमें कि मूलधन और ब्याज शामिल है निकाली जा सकती है। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड जिस वित्त वर्ष आपने खाता खुलवाया है उस वित्त वर्ष की समाप्ति से लेकर 15 वर्ष है। मान लीजिए अगर आपने फरवरी 2023 में खाता खुलवाया है तो मैच्योरिटी फरवरी 2038 में नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2038 को होगी। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी आंशिक निकासी प्रावधान है। खाता जिस वित्त वर्ष में खुला है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के 5 वित्त वर्ष बाद ही आंशिक निकासी की जा सकती है। अगर आपने फरवरी 2023 में खाता खुलवाया है तो आंशिक निकासी 2028-2029 में ही की जा सकती है क्योंकि वित्त वर्ष की गणना 2023-2024 से होगी। पूरे 5 वित्त वर्ष यानी 2027-2028 में पूर्ण होंगे यानी इसके बाद ही आंशिक निकासी की अनुमति होगी। आंशिक निकासी की सीमा कितनी है वो भी जान लीजिए। मतलब आंशिक तौर पर आप कितना पैसा निकाल सकते हैं पीपीएफ खाते से वो जानना जरूरी है आपके लिए। आंशिक निकासी को लेकर 2 कैलकुलेशंस है। दोनों में जो कम होगा अधिकतम उतनी ही राशि की निकासी की जा सकती है। गणना 1, जिस वित्त वर्ष में आप निकासी कर रहे हैं ठीक उसके पहले वित्त वर्ष के अंत में उपलब्ध बैलेंस राशि का अधिकतम 50%। अगर आप 2028-29 में निकालते हैं तो 2027-28 के अंत यानी 31 मार्च 2028 को उपलब्ध बैलेंस का 50%। मान लीजिए कि 31 मार्च 2028 को उपलब्ध बैलेंस 1,00,000 रुपए है तो आप 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं 2028-2029 में आंशिक तौर पर। दूसरा कैलकुलेशन, निकासी वाले वर्ष से ठीक 4 वित्त वर्ष पहले उपलब्ध बैलेंस का 50%। अगर आप 2028-2029 में निकालते हैं तो ठीक 4 वित्त वर्ष 2027-2028, 2026-2027, 2025-2026 और 2024-2025 पहले यानी मार्च 31, 2025 को जो बैलेंस उपलब्ध होगा उसका 50%। अगर इस पीरियड में आपने लोन लिया है और उसे लौटाया नहीं है तो वह राशि भी पहले के दोनों गणनाओं में से जो कम होगी उसमें से घटा दी जाएगी। ध्यान रहे एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी या तो एक मुश्त या किस्तों में की जा सकती है। एक्सटेंशन पीरियड में आंशिक निकासी के क्या नियम है वो जान लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 15 साल मैच्योरिटी पीरियड है और मैच्योर हो जाने के बाद आप 5-5 साल के लिए जितनी मर्जी हो उतनी बार खाते को एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल, लेकिन इसे इसके बाद भी प्रत्येक 5-5 साल यानी 5-5 साल के ब्लॉक में के लिए या तो योगदान के साथ या बिना योगदान के जारी रखा जा सकता है। तो बिना योगदान के एक्सटेंशन अगर चाहते हैं तो क्या मिलेगा वो जान लीजिए।
अगर बिना योगदान के पीपीएफ खाता जारी रखते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद रकम नहीं निकालेंगे तो पीपीएफ खाता अपने आप 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप जारी रखना चाहेंगे तो यह 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा। जमा रकम पर उस समय जो भी ब्याज होगा आपको मिलता रहेगा। इस एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आप कितनी भी टैक्स फ्री निकासी कर सकते हैं, लेकिन एक वित्त वर्ष में एक से ज्यादा बार निकासी नहीं की जा सकती है। अगर योगदान के साथ एक्सटेंशन करते हैं पीपीएफ खाते का तो क्या नियम है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड के दौरान भी आप उसमें योगदान करें और उस पर एटीसी का फायदा मिले, तो आपको खाता मैच्योर होने के 1 साल के भीतर संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास फॉर्म 4 भरकर जमा करना होगा। बिना फॉर्म 4 जमा किए अगर आप योगदान करते हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर योगदान के साथ खाता जारी रखते हैं तो एक्सटेंशन पीरियड यानी प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक के दौरान आप ब्लॉक की शुरुआत में उपलब्ध बैलेंस का अधिकतम 60% तक निकाल सकते हैं, लेकिन एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है। अगर आपके पीपीएफ खाते पर 5 साल के लिए एक्सटेंशन पीरियड की शुरुआत के समय 20 लाख रुपए हैं, तो इस 5 साल के एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अधिकतम 12 लाख रुपए निकालने की अनुमति होगी। 60% 20 लाख का 12 लाख है तो 12 लाख निकालने की अनुमति होगी। तो देखा आपने पीपीएफ खाता में किसी साल न्यूनतम जमा राशि जमा नहीं करना आपके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। इसलिए कभी भी चूक मत करें और हर साल कम से कम राशि जो कि 500 रुपए है जरूर जमा कर दें। अगर पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो गया तो उसे जल्द से जल्द सक्रिय कर लें। सक्रिय कैसे करना है इसके बारे में मैंने एपिसोड के शुरू में बताया है। पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम है तो बेहतर है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसों को लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।